अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ पर PUBG टेस्ट करने लगे हम। Realme 12 का गेमिंग रिव्यू फुल करेंगे, हीट टेस्ट भी करेंगे दोस्तों, और आपको बताएंगे फ़ोन कितनी बैटरी ड्रेन करता है, गेमिंग में कैसा है, तो सारा कुछ बताएंगे। तो यहाँ पर वीडियो कंप्लीट देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कर सकते हैं भाई आप, अगर आपको अच्छा लगे। यहाँ पर Realme की प्राइस जो है Realme 12 की 60,000 रुपये, और यहाँ पर 8GB 256GB वाले वेरियंट की प्रोसेसर यहाँ पर दिया गया है, स्नैपड्रैगन का 685 ऑप्शन, जो कि काफ़ी कम है दोस्तों, लेकिन चेक करेंगे हम। बैटरी यहाँ पर 5000 mAh की दी गई है, और साथ में चार्जिंग जो है वो 67W की है। यहाँ पर डिस्प्ले अगर देखिए तो डिस्प्ले आपको 120Hz वाला एक AMOLED पैनल मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के बारे में बताएंगे। बैटरी देखते हैं कितनी है इस वक्त। यहाँ पर बैटरी रिमेनिंग है 60%, देखते हैं कितना बैटरी का खर्च होता है भाई। तो भाई अगर आप सेटिंग की बात करें, यहाँ पर जायरोस्कोप अवेलेबल है, रिवर्स जायरो का भी ऑप्शन अवेलेबल है दोस्तों। हम जायरोस के साथ ऐसे खेलते नहीं, थोड़ी देर दिखा देंगे आपको। स्मूथ में, अल्ट्रा में प्ले कर सकते हैं, बैलेंस में, हाई में प्ले कर सकते हैं सेटिंग में, और HD का ऑप्शन नहीं है भाई, बहुत अफसोस। स्मूथ में, अल्ट्रा में प्ले करके देखेंगे क्या सिस्टम रहता है, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन करते हैं। तो टेम्परेचर आपको चेक करवाएं, 35.5 है बाहर का, 35.4, और फ़ोन का है भाई 36.6, अपसाइड से 35.59, 36.5, स्क्रीन साइड से 37.9। तो अब तक इतना गर्म हुआ है फ़ोन, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या परफॉर्मेंस रहती है। तो यहाँ पर भाई हमने PUBG स्टार्ट कर दिया है, तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर जायरोस्कोप जो है वो ज़्यादा फास्ट नहीं है, लेकिन ज़्यादा डिले भी नहीं है, डिले है लेकिन थोड़ा है। हम जायरोस्कोप के साथ प्ले नहीं कर सकते वैसे, तो प्रो पबजी प्लेयर नहीं है, हम ओनली टेस्ट करते हैं भाई। ब्राइटनेस वगैरह तगड़ी है, ब्राइटनेस ठीक है दोस्तों। स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमने हाफ वॉल्यूम भी ऑन किया हुआ है, ताकि पता चल सके कि बैटरी वॉल्यूम के साथ और ब्राइटनेस के साथ भाई कितनी ड्रेन कर पाता है ये फ़ोन। तो यहाँ पर लैगिंग स्टार्ट हो चुकी है स्टार्टिंग में, कि प्रोसेसर इतना बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, 287,000 के करीब एंटूटू बेंचमार्क स्कोर आते हैं इसके। और अब नेक्स्ट परफॉर्मेंस देखेंगे क्या सिस्टम है। फिलहाल के लिए ठीक है, ग्रास वगैरह का कलर भी सही है, परफॉर्मेंस में कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि काफ़ी ओल्ड चिपसेट दिया है, कमज़ोर चिपसेट दिया है, फिर भी हम किल कर ही रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह देखते हैं भाई अब क्या परफॉर्मेंस रहती है, नेक्स्ट आपको बताते हैं।
यहाँ पर दोस्तों पबजी टेस्ट हो गया है कम्प्लीट और तकरीबन 22 मिनट हमने प्ले कर लिया है पबजी को। ब्राइटनेस यहाँ पर थोड़ी सी कम करते हैं अब, और सबसे पहले आपको ये दिखा दें दोस्तों कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो हमने यहाँ पर प्ले की हुई थी, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं 21 मिनट और कुछ सेकंड्स प्ले हुई है। ये चीज़ हम ख़त्म करते हैं अब, और इसके साथ अगर देखिए सबसे पहले बैटरी का मामला, फिर आपको परफॉर्मेंस बताते हैं। तो बैटरी यहाँ पर 54% रिमेनिंग है, पहले थी 60%, और 6% बैटरी का खर्चा हुआ है 22 मिनट में स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ। और फ़ोन हीटअप भी हो चुका है, हीटअप चेक कर लेते हैं। कमरे का टेम्परेचर है 35.2, फ़ोन 37 है, अपसाइड से 39 है, आगे से 37 और अपसाइड से 40 डिग्री, मतलब फ़ोन थोड़ा हीटअप भी हो चुका है 22 मिनट में, और बैटरी भी ड्रेन हो चुकी है 6% तक 22 मिनट में। तो खैर यहाँ पर फ़िलहाल एसी में प्ले कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर कम है। ओवरऑल परफॉर्मेंस का मामला बताएं तो वो आपको काफ़ी थकी हुई परफॉर्मेंस मिलती है, ये चीज़ है दोस्तों, नॉर्मल परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, इतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलती। लैगिंग का प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा मिल रहा था, हालांकि इतनी देर प्ले भी नहीं की, बट परफॉर्मेंस के हिसाब से ये फ़ोन लो है, काफ़ी ज़्यादा लो है। बाकी चीज़ों में डिस्प्ले वगैरह में ठीक ठाक है, लेकिन पबजी की यहाँ गेमिंग की बात की जाए तो उसमें मेरे ख्याल में इस फ़ोन को नहीं ख़रीदना चाहिए। अब आपकी क्या रिकमेंडेशन इस फ़ोन के बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।